हाँ, बिहार में हमारे उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, पंजाब में हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं भगत जी, और इनके अलावा जहाँ जहाँ हम विपक्ष में प्रमुख विपक्षी दल हैं उसके नेता, अलोंग विद दी एंटायर सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी अटेंडेड दिस मीटिंग। और ये मीटिंग एक बहुत छोटे से लंच ब्रेक के साथ 10 बजे से शुरू होकर 6 बजे के बाद तक चली। उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी ने किया और समारोप किया आडवाणी जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं। और अर्जुन मुंडा जी को छोड़कर, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जो सब लोग जानते हैं का स्वस्थ हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सब लोग दिन भर रहे। हम लोगों ने इसका जो इंतज़ाम किया था वो इस तरह किया था कि गडकरी जी के उद्घाटन भाषण के बाद हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को या उसके प्रतिनिधि को यह अवसर दिया गया कि वह अपने प्रदेश की बात रखे उस कॉन्टेक्स्ट में, जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था और जिस पर मैं आ रहा हूँ। और विस्तार से मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी और उसके बाद हम लोगों ने दो खास विषयों पर चर्चा की लगभग 1.5-2 घंटे। एक चर्चा थी सुशासन के ऊपर, जिसकी शुरुआत श्रीमती सुषमा स्वराज ने की, और एक था संघीय ढांचे के ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर, जिसकी शुरुआत अरुण जेटली जी ने की। और उसके बाद काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई, सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और फिर अंत में, जैसा हमने कहा, आडवाणी जी ने उसको समप किया। और जो कल ब्रीफिंग हुई थी प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा और अन्य सूत्रों से आपको जो खबरें मिली थी वो आज के अखबारों में है, और आप सबको धन्यवाद कि आपने उसको कवर किया। लेकिन मित्रों, आज हम स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि कल की ये बैठक बहुत ही विशेष थी। इट वॉज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी इम्पोर्टेंट। इट वॉज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज एज आई हैड टोल्ड यू ऑन द 16th August, इट वॉज बींग हेल्ड इन ए सर्टेन बैकड्रॉप। एंड वॉट इज दैट बैकड्रॉप, वॉट इज दैट कॉन्टेक्स्ट? द बैकड्रॉप और द कॉन्टेक्स्ट इज वन, द कलैप्सिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, जिसका मैंने उस दिन थोड़ा जिक्र किया था। द सेकेंड इज अनहर्ड ऑफ स्कैंडल्स ऑफ करप्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड द थर्ड इज कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये थे बैकड्रॉप में, और हम लोगों ने इसको ध्यान में रखकर चर्चा की थी। और मैं इस देश का वित्त मंत्री रहा हूं कई सालों तक, और मैं आपसे जेन्युइनली शेयर करना चाहूंगा, द फीलिंग दैट आई गॉट आफ्टर टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर्स वॉज वन ऑफ कंप्लीट डिस्पेयर एट द फंक्शनिंग, द मैनर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको याद होगा कि जब हम लोग
वैल्यू एडेड टैक्स वैट इंट्रोड्यूस करना चाहते थे राज्यों में, एंड वी टुक द इनिशिएटिव एट द सेंटर, तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर्स की कमिटी हम लोगों ने बनाई, उसके अध्यक्ष थे पश्चिम बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बासु, और जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स बना उसके अध्यक्ष उस समय थे पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉक्टर आशिम दास गुप्ता। The reason was that they were the longest serving chief minister and finance minister of the country. इसलिए उनसे आग्रह किया कि भाई आप इस जिम्मेदारी को संभालें, और हाल तक डॉक्टर आशिम दास गुप्ता इस कमेटी के अध्यक्ष थे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, और अभी श्री सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक भार संभाला है। क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? बिकॉज वी वॉन्टेड टू रीच आउट टू एवरी स्टेट, एंड वी वर नॉट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द पोलिटिकल कलर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मुझे कल क्यों निराशा हुई? मुझे कल निराशा इसलिए हुई दैट स्टेट आफ्टर स्टेट आफ्टर स्टेट told the meeting how they were being discriminated against. They told us how the accepted and evolved norms of federalism in our polity have been thrown to the winds by the UPA government in the last 8 years. Isko sunkar nirasha hui. Ab koi karan nahi hai कि आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो केंद्र की फ्लैगशिप स्कीम है उसके पैसे को रोक कर रखें आप 3-3 साल किसी राज्य के लिए। कोई कारण नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जो है JNURM उसके पैसे राज्यों को नहीं दिए जाएं। कोई कारण नहीं है कि राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना का जो कार्यक्रम है उसके पैसे को फ्लिम्सी ग्राउंड्स पर रोक के रखा जाए। जो फंड्स का डिसबर्सल है केंद्र सरकार के द्वारा, जो दो पार्ट में होता है आप जानते हैं, एक तो जो फाइनेंस कमीशन से कवर्ड होता है दैट इज ए शेयर इन टैक्सेस विच गोज ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली बाई फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, उसमें कोई हस्तक्षेप करने की कहीं गुंजाइश भी नहीं है। दूसरा है जो प्लानिंग कमीशन के ग्रांट्स हैं, तो प्लानिंग कमीशन के ग्रांट्स में ये भेदभाव देखने को मिला, और जो संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है वह इस तरह हो रहा है कि जैसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है इस देश में, अब भारत सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है, और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेटर बहाल करना चाहती है। अब हम लोगों ने बहुत रेगुलेटर्स बहाल किए, रेगुलेटर बहाल करने में कोई कहीं कठिनाई नहीं है, लेकिन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेटर जो होगा उसको वो इस बात का ये शक्ति देना चाहते हैं कि वो न केवल इन्वेस्टिगेशन करेगा बल्कि प्रोसिक्यूशन भी करेगा। राज्यों में के अधिकार क्षेत्र में जो बात आती है उसमें ये हस्तक्षेप करके इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, जैसे लगभग NCTC में प्रावधान था,
जिसका विरोध हुआ और भारत सरकार को फिर उसको डाइल्यूट करना पड़ा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ अपने समय का कि हम लोगों ने भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर बनाया था, लेकिन हम लोगों ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर बनाया जो भारत सरकार के कामकाज को देखती है, और हर स्टेट को हमने कहा कि आप अलग से अपना रेगुलेटर बनाएं, और हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना इलेक्ट्रिसिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर बनाया है, और ये काम ठीक से चल रहा है क्योंकि दोनों में क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है और हम उनके काम में दखल नहीं देंगे, वो हमारे काम में दखल नहीं देंगे, वो चल रहा है। लेकिन जो मिनरल्स का माइंस का जो पावर है राज्य सरकारों का, उसमें इस तरह हस्तक्षेप करके और केंद्र के रेगुलेटर को ये सारा पावर देना, ये बात बिल्कुल जचती नहीं है और इसका राज्यों ने विरोध किया। इसके अलावा जो फिस्कल मैनेजमेंट है, एक तरफ तो आप जानते हैं भारत सरकार की हालत कितनी पतली है इस मामले में। द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट ईयर विच एंडेड ऑन 31st March वॉज 6.9% एंड द प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द करेंट ईयर इज 5.1%। एज अगेंस्ट दैट, थ्रू बेटर फिस्कल मैनेजमेंट द स्टेट्स हैव, मैं एक लिखित इस पर वक्तव्य भी आप लोगों को दूंगा, मैं हाइलाइट्स जो हैं वो बता रहा हूं कल के इसका, कि स्टेट्स का लिमिट है 3% ऑफ फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि सब लोगों ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया हुआ है जिसमें कि सीमा बांधी गई है 3% ऑफ द स्टेट GDP। हमारे सारे स्टेट उसके नीचे हैं, 3% से नीचे हैं, और जहां एक और केंद्र का फिस्कल डेफिसिट इज टच्ड 5.9 लास्ट ईयर, द स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट वाज ओनली 2.3% ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया पुट टुगेदर। एंड व्हाट इज इवन मोर एनकरेजिंग इज दैट जितने हमारे रूल्ड स्टेट्स हैं या एनडीए स्टेट्स हैं, दे ऑल हैव ए रेवेन्यू सरप्लस, और आप जानते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस का मतलब यह हुआ कि यू आर ट्रांसफरिंग दीज रिसोर्सेज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ईच स्टेट हैज ए रेवेन्यू सरप्लस। भारत सरकार का जो बजट आप देखेंगे तो उसमें लगभग 82% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड मात्र 17% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आवर स्टेट्स हैव मैनेज्ड द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट्स।